कोरोना संक्रमण के 2.5 सालों में युवा बड़ी संख्या में डायबिटीज से पीड़ित होने लगे हैं। कोरोना से ठीक हुए या बचे लोगों को नई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची के डायबिटीज रोग विशेषज्ञों की क्लिनिक या उनके अस्पतालों के ओपीडी रिकॉर्ड में एक सप्ताह के जो आंकड़े हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि झारखंड के युवाओं में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। वहीं टाइप 1 के एक हफ्ता में 3 से 4 नए युवा मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जबकि पहले एक महीने में एक युवा मरीज परामर्श के लिए पहुंचता था। देश के बड़े इंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने अपने शोध का डाटा भी जारी किया है, यह नई मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने अपने अपने राज्यों के डेटा में बताया है कि 10% डायबिटीज के मरीज 25 साल के नीचे के हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर जब युवाओं में शुगर लेवल की जांच कर रहे हैं तो यह काफ़ी अधिक पाया जा रहा है। कई में शुगर के साथ साथ मोटापा भी कारण माना जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ समय में डायबिटीज पीड़ित युवक मरीजों की संख्या झारखंड में काफ़ी बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में डायबिटीज के 8 से 10% मरीज हैं, जो पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ICMR ने भी अपनी जारी रिपोर्ट में इसे लेकर आगाह किया। 20 से 30 साल की उम्र में डायबिटीज होने से युवाओं को 40 से 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक, किडनी, आंख की बीमारी के अलावा पैर में गंभीर घाव होने का भी खतरा है। कोरोना काल में 20 से 30 साल के युवाओं में डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के मरीज बढ़ रहे हैं। पहले टाइप 2 के 2 से 3 मरीज ही परामर्श लेने आते थे, लेकिन अब हफ्ते में 10 से 12 मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं टाइप 1 के महीना में 1 मरीज आते थे, लेकिन अब 3 से 4 मरीज आ रहे हैं। ICMR ने भी संकेत दिए हैं कि खतरा बड़ा हो रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।